If an be the non-constant arithmetic progression such that a1 is equals to 1, and given that the summation of a of 2n minus 1 dot 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 a of n plus 1 divided by an plus an minus 1 plus dot 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 an remain constant for all n greater than equals to 1, ठीक है, n greater than equals to 1 के लिए ये constant होता है, तो अपने को a15 की value यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो जो given relation है वो n is equals to greater than equals to 1 के लिए valid है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो a1 की value, अगर जो arithmetic progression देखें तो उसका first term क्या है, 1 है, ठीक है, first term यहाँ पे 1 है, और जो given sequence जिसको constant बोला है उसको अगर मैं इस form में लिख सकता हूँ, a of n plus 1 plus a of n plus 2 plus a of n plus 3 plus dot 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 plus ये क्या आ जाएगा a of 2n minus 1 plus ये क्या आ जाएगा a of 2n, ठीक है, ये basically क्या है, n term का sum divided by denominator में क्या लिखा हुआ a1, ठीक है, a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus dot 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 plus ये क्या लिखा हुआ है an, और इसको बोला ये constant होता है, is equals to constant, constant value let's say अपन क्या बोलते k, ठीक है, ये कांस्टेंट है के फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जो गिवन रिलेशन ये कांस्टेंट वैल्यू होता है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं देखूं तो ये न्यूमरेटर में क्या है, एन टर्म ऑफ एपी, ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी देखो तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, तो इसका जो रेशियो है, ठीक है, इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। अगर मैं इसके लिए सम फॉर्मूला लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे अगर अपन एन टर्म्स जो एपी में उसके लिए अगर अपन समेशन का फॉर्मूला लिख दूं तो न्यूमरेटर में अपन क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर के लिए फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस अपन बोल देते हैं डी, ठीक है, और ये क्या है फर्स्ट टर्म, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन बाई टू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा टू ए, टू ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए एन प्लस वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, न्यूमरेटर में सम की वैल्यू ये लिख दिया, डिनोमिनेटर में अगर अपन देखें तो ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एन बाई टू इंटू टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है ए वन, ए वन प्लस ये क्या आ जाएगा एन माइनस वन इंटू डी, अब कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए सेम ही होगा क्योंकि जो टर्म्स है वो क्या है सेम ए पी का टर्म्स है, और ये क्या है कॉन्स्टेंट के इक्वल, ठीक है, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ए वन एन बाई टू और एन बाई टू अपन कैंसिल कर देंगे और मैं यहाँ पे ए वन की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, ये रिलेशन क्या आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए एन प्लस वन और ये प्लस क्या आ जाएगा एन माइनस वन इंटू डी और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ए वन की वैल्यू वन पुट करें तो ये आ जाएगा टू प्लस ये आ जाएगा एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी और ये रेशियो किसके इक्वल है, ये रेशियो एक क्वान्टिटी कॉन्स्टेंट के इक्वल है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ एन की डिफरेंट वैल्यू के लिए इस कॉन्स्टेंट वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ मिनिमम वैल्यू एन की, मिनिमम वैल्यू में एन की वन पुट कर सकता हूँ, तो अगर मैं एन की वैल्यू वन पुट करूँगा तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा टू ए टू प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो डी, ठीक है, एन माइनस वन इंटू यह आ जाएगा जीरो इंटू डी, ठीक है, जीरो इंटू डी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा टू प्लस जीरो इंटू डी और ये किसके इक्वल हो जाएगा कॉन्स्टेंट वैल्यू के इक्वल, ये बेसिकली सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ जाएगा टू ए टू अपन टू, तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा ए टू, ए टू इजकल्स टू के आ जाएगा, ठीक है, ये एक रिलेशन आ जाएगा ए टू इजकल्स टू के, और n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ यहाँ पे, ठीक है, 1 से ग्रेटर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पे n की, ठीक है, n की वैल्यू जो है मैं यहाँ से 1 से ग्रेटर पुट कर सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए थ्री और ये क्या आ जाएगा प्लस का d डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, ये आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2d इक्वल्स टू k कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये k कॉन्स्टेंट के इक्वल आ जाएगा। अब अगर अपन देखें इन दोनों से अगर अपन देखें तो k को अपन इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर अपन देखें इसको लेट से मैं इक्वेशन वन बोल दूँ और इसको इक्वेशन टू बोलूँ तो अपन क्या बोल सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है, वन एंड टू अगर अपन देखें तो के की वैल्यू किसके इक्वल है ए टू के इक्वल और ये किसके इक्वल है के की वैल्यू जो है वो इक्वल है अपने पास टू ए थ्री प्लस डी, टू ए थ्री प्लस डी डिवाइडेड बाय टू प्लस डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ से अपन इसकी वैल्यू देखो तो ये वैल्यू क्या है टू प्लस डी, यहाँ से सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है, सिंपली डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा डी, ठीक है, टू प्लस डी। अब मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ए टू को अपन क्या लिख सकते हैं, ए टू को अपन एन एथ टर्म को क्या लिखते हैं एपी में ए वन प्लस डी, तो ए वन प्लस डी लिख देंगे इजकल्स टू टू टाइम्स ऑफ ए थ्री को क्या लिख देंगे ए वन प्लस टू डी और ये क्या आ जाएगा प्लस का डी और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई आ जाएगा टू प्लस डी। तो सिंपली मैंने क्या किया
यहाँ पे ए टू को ए वन के टर्म्स में लिखा और ए थ्री को भी ए वन के टर्म्स में लिखा, तो ए वन की वैल्यू अपने को पता है, ए वन की वैल्यू क्या है, वन, तो आ जाएगा वन प्लस डी इजकल्स टू, यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो ए वन की वैल्यू वन पुट करूँ मैं, ये तो आ जाएगा टू प्लस, ये क्या जाएगा, सॉरी यहाँ पे टू प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस फोर डी, टू प्लस फोर डी प्लस डी और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा टू प्लस डी। मैंने यहाँ पे क्या किया, ए वन की वैल्यू को वन पुट किया तो टू आ जाएगा और ये प्लस फोर डी। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगा वन प्लस डी, वन प्लस डी प्लस क्या आ जाएगा टू डी प्लस डी स्क्वायर इजकल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा टू प्लस, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ से आ जाएगा टू प्लस डी, वन से मल्टीप्लाई करें तो टू प्लस डी और डी से मल्टीप्लाई करें तो टू डी प्लस डी स्क्वायर, ये आ जाएगा टू प्लस फाइव डी, ठीक है। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करूँ तो मैं ये टू से टू को कैंसिल करूँगा और वैल्यू अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस ऑफ टू डी इजकल्स टू जीरो। यहाँ से अगर अपन डी की वैल्यू देखें तो डी की वैल्यू जीरो हो सकती है और डी की वैल्यू टू हो सकती है। अब डी की वैल्यू जीरो अपन नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि उन्होंने नॉन कॉन्स्टेंट ए पी बोला है, ठीक है, तो डी की वैल्यू अपन यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते, तो अपन क्या लेंगे डी की वैल्यू, डी की वैल्यू टू लेंगे, ठीक है। तो अपना जो क्योंकि नॉन कॉन्स्टेंट ए पी है तो अपन डी की वैल्यू टू कंसिडर करेंगे। ए फिफ्टीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए फिफ्टीन की वैल्यू हो जाएगी ए वन प्लस फोर्टीन डी, ए फिफ्टीन की वैल्यू क्या हो जाएगी ए वन प्लस फोर्टीन डी, ए वन की वैल्यू वन प्लस फोर्टीन इंटू डी की वैल्यू टू, ए फिफ्टीन की वैल्यू क्या आ जाएगी 29। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी।